हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले ये सारे क्वेश्चंस, मतलब चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, हमें स्पेलिंग एरर को चेक करना है, राइट। तो जैसे आप अगर 12th क्लास में आप आईएससी कर रहे हैं या आईकॉम कर रहे हैं या आईए का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका जो वेटेज है ज्यादा नहीं होता है, 1 से 2 या 3 लगभग होता है। ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको सही वर्ड इसमें चूज करना पड़ता है, लेकिन सवाल ये भी है कि इन टॉपिक पे क्यों ध्यान दे। तो कहा जाता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्स द पॉट, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर एक नंबर के क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हैं तो एक नंबर से आपका डिवीजन छूट जाता है, एक नंबर से आप टॉप 10 में छूट जाते हैं, है ना। तो एक नंबर से आप फेल भी हो जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। हर माना कि मेजर टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं आपको कवर करना, लेकिन उनके साथ साथ इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिए। और इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए कोई बड़ा सा काम नहीं करना है, बस आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसी चीज को ध्यान रखना है। बताएंगे हम कैसे। सबसे पहले आप देखिए और इनमें चूज करना है कि आपको सही वर्ड कौन सा लग रहा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें से सारे वर्ड लग रहे होंगे कि एकदम सिमिलर है, आप कौन सा चूज करें। हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास एक तो डर होता है, प्रेशर होता है, तो हमें लगता है कि मतलब सब कुछ पढ़ा है हमने, हर चीज ध्यान से पढ़ा है, पर जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो ये सारे चीजें भूल जाते हैं और कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो भाई ध्यान में रखना, पेशेंस रखना, हर मतलब ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब लग रहे हैं कि सेम ही है, लग रहे हैं सेम ही है, पर ये सारे के सारे गलत है। सर्कमस्टांस ये सस्ता ही है, ठीक है। दूसरा देखिए, ग्रुप्स, ग्रुप्स का स्पेलिंग देखिए, इसमें कौन सा सही है। अब इसमें ये भी सही, ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा, है ना। और सारे के सारे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे के सारे सही है, पर ऐसा देखिए कि ये जो ग्रुप का स्पेलिंग है ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो उस चीज में वर्ड्स बाय वर्ड्स को ध्यान में रखिए, हर वर्ड्स को बढ़िया तरीके से पढ़ते चलिए, ठीक है, ताकि आपको स्पेलिंग में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये 2 नंबर के आते हैं, गारंटी आते हैं। और जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, पूछते हैं कि कहाँ से आएंगे, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे बुक में पढ़ रहे हो, जैसे आप साइंस में पढ़ रहे हैं, तो विटामिन के बारे में पढ़ते ही होंगे, तो विटामिन का आ गया, तो विटामिन का स्पेलिंग आपको सही से होना चाहिए। आप इंटेलिजेंट, ये कोई भारी शब्द थोड़ा है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। इन सब चीजों को मतलब बढ़िया से पढ़ते रहिए ध्यान में, हर वर्ड्स को जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे ट्यूशन का पूछ लिया, सप्लाई का पूछ लिया, नेसेसरी का पूछ लिया, और अलग अलग स्पेलिंग लिख दिया और पूछेगा कि कौन सा इसमें सही है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है हर एक वर्ड को। तो देखिए, जैसे दूसरा तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखिए, इम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि मतलब जिनको नौकरी पर रखा गया है, रख लिया गया है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप रोजगार, क्या आपके पास रोजगार है, आप रोजगार में हैं तुम। ये सारे क्वेश्चंस मतलब एम्प्लॉयड का ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सेम है। आप पता है कंफ्यूजन होती है उस समय। तो एम्प्लॉयड का सही स्पेलिंग ये है, एम्प्लॉय का ही भीतरी है, जो पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो होता है इम्प्लाइड, ठीक है। तो ये है इम्प्लाई का मतलब, नियोजित करना, नियुक्त करना, सेवा में रखना, ठीक है। और जैसे कर्मचारी, तो ये कर्मचारी के लिए ये वाला स्पेलिंग सही है, इम्प्लॉय। हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में, का मतलब कर्मचारी होता है, ठीक है। दूसरा 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लाउड्स, क्लाउड्स लग रहे हैं एकदम सब सेम है, अब कौन सा चूज करूं। आपके अनुसार ये भी सही लग रहा होगा, ये तो मतलब माना कि आप चलिए क्लाउड्स, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़े ही नहीं होंगे कभी, अब पढ़े होंगे तो ध्यान नहीं दिया होगा, तो के भी लग रहा होगा, के से क्लाउड, है ना। लेकिन अगर ज्यादातर लोगों का होगा तो ये दोनों काट देंगे, ये दोनों नहीं आएगा, लेकिन फिर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो क्लाउड्स का सही स्पेलिंग ये है, CLOUDS, ठीक है। 5 नंबर देखिए, इंटेलिजेंट, 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 मतलब सारे स्पेलिंग सिमिलर ही लग रहे हैं। तो हम पढ़ते भी, पता है हम पढ़ते भी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो देखिए ये वाला सही हो गया, पर होता क्या है इंटेलिजेंट, तो स्पेलिंग में ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, ये सभी गलत है, ये वाला सही है और ये भी गलत है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे विटामिन का स्पेलिंग अभी मैंने बताया, तो ये
ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, हमारे ही आस पड़ोस से पूछे जा रहे हैं, मतलब हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उसके ही इर्द गिर्द पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में पढ़िए, बस ये आपका 2 नंबर गारंटी हो जाएगा। तो विटामिन का देखिए, विटामिन का स्पेलिंग लग रहा होगा कि सभी सही है, लेकिन विटामिन का स्पेलिंग ये सही है, ये सारे के सारे क्या है, गलत है। ड्यूरेशन, अब देखिए इसके लिए कोई रूल्स पढ़ने अब आपके लिए जरूरी नहीं है, ये अब टाइम खत्म हो गया, बस आप चीजों को ध्यान में रखिए, और कोई इतना भी हार्ड वर्ड नहीं पूछा जाता है जो आपको पता नहीं हो। जो चीज आपको पता हो बस कंफ्यूज करने करना है, दूसरा कुछ नहीं है, नहीं तो आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन देखिए, ये सारे के सारे ड्यूरेशन है, अगर बताइए। अब ड्यूरेशन रात दिन पढ़ते ही आप, है ना, तो ये क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत, सॉरी, ये सही है और ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब ट्यूशन का स्पेलिंग देख लीजिए, ट्यूशन का स्पेलिंग मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा सही है, ठीक है, इसको कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये सप्लाई का देखिए, इसको भी मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर कि आप इसका सही आंसर देंगे, कि इसमें सप्लाई का सबसे सही वर्ड कौन सा है, ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है। तो ये माना कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपको इर्द गिर्द ही देखना है, ये माना कि ये सभी चीजें आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, हम हर चीज रूल्स वगैरह में लगे रहते हैं, और जो चीजें हमारे इर्द गिर्द रहती है हम उनको ही ध्यान नहीं देते। तो इसके बाद हम लाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको केवल देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने और बताऊंगा कि हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, जो सिंटेक्स है, उसका वेटेज आपके ग्रामर पार्ट में बहुत ज्यादा है, 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मिला लिया जाए तो लगभग 10-12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।